केरल में फैला जानलेवा निपा वायरस हिमाचल के लिए चिंता पैदा कर रहा है। हालांकि कोझिकोड और धर्मशाला, कुल्लू मनाली या शिमला के बीच 4000 मील का फासला है और वायरस का दायरा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हिमाचल का सहमाना इसलिए तरसंगत है क्योंकि गर्मियों में पहाड़ पर आने वाले अधिकांश पर्यटक मैदानी इलाकों से ही आते हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर साल हिमाचल पहुंचने वाले 2 करोड़ पर्यटकों में से 20 लाख का हिस्सेदारी दक्षिण भारतीयों की है। इनमें से कितने केरल से आते हैं ये एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन किसी के साथ भी ये जानलेवा वायरस हिमाचल तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि हिमाचल सरकार और स्वास्थ्य विभाग सजग हो गए हैं। हिमाचल का प्रमुख उद्योग पर्यटन ही है और हर साल का पर्यटन कारोबार 6000 करोड़ का है। ऐसे में अगर मामला जल्द नहीं संभला तो इसका प्रतिकूल असर प्रदेश के पर्यटन पर भी संभावित है। दरअसल हिमाचल का निफाह को लेकर चिंतित होना लाजमी भी है। अतीत गवाह है कि जानलेवा पर्यटकों के जरिए यहां अन्य जगहों की अपेक्षा तेजी से पहुंचते हैं। वर्ष 2010 में इसी तरह स्वाइन फ्लू भी दक्षिण में शुरू होने के बाद सीधे हिमाचल पहुंचा था और ये सब यहां आने वाले पर्यटकों के कारण ही हुआ था। ऐसे में भरे पर्यटक सीजन के दौरान निपा वायरस ने हिमाचल की टेंशन बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश निपा वायरस को लेकर अलर्ट हो गया है। प्रदेश में आने वाले जिन पर्यटकों को खांसी, जुकाम या बुखार है, सरकार ने उनकी स्वास्थ्य जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश एहतियात के तौर पर दिए गए हैं ताकि किसी गंभीर खतरे से बचा जा सके। बारे में बढ़ते हैं, वैसे तो निपा वायरस के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कोई भी थ्रेट नहीं है। केरल में कुछ केसेस पाए गए हैं और कुछ डेथ भी हुई है। फिर भी हमने एहतियात के तौर पर एक जो है कि हमने अवेयरनेस वर्कशॉप जो है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डीसी साहब की अध्यक्षता में 29 को रखी है। उसमें जो है कि हम इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इससे प्रिवेंशन कैसे करनी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।